सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। और अभी मॉर्निंग तो चल नहीं रही है क्योंकि नहीं है, अभी 11 बजने में भी बाकी है। और हम लोग आए हैं गोस्मार्ट और यहाँ पे आके वीडियो चालू कर रही हूँ। और मैं भूल नहीं गई थी बट मैंने बनाया था जो सेव ही नहीं हुआ था, मैंने रास्ते में लिया। तो अभी मैं कालीबेल पहुँच गई हूँ, यहाँ पर आके ये वीडियो बन रहा है। अभी कालीबेल से थोड़ा आगे ही जंगल में आ गए हम लोग। ज़्यादा आईफोन में आता नहीं तो मुझे क्या हो गया था मुझे पता नहीं, तो मैंने वीडियो लिए थे बट मैं भूल गई, तो क्या ही करेगा आईफोन। और अभी हम लोग घर से निकले थे 9 बजे और थे, बट हमारे साथ जो करण और हमारे फ्रेंड्स थे वो अभी आगे जा रहे हैं और अभी तक हमें नहीं मिले। और भी हमको हो गया था लेट, हमारे जो गाड़ी है उसका थोड़ा सा ढीला था तो बट्टे ने फिट कर और तो ज़्यादा ही फिट हो गया था और ज़्यादा फिट हो गया था तो फिर से हमको रुकना पड़ा और थोड़ा सा ढीला करना, फिर भी अलग है बच्चा करे धीरे धीरे जा ही रहे हैं। और बाइक को अभी दो बार हो जाएंगे तो कुछ ऐसा नहीं है, तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, सर्विसिंग कराएगा तभी अच्छे से जाएगी। और शॉर्टकट से हमने लिया है नाश्ता, क्योंकि यहाँ तो कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। और सुबह उठी थी मैं 6 बजे, तभी से मैंने खाना बनाना चालू कर दिया था। खाना भी ले लिया था मैंने भर के बट नहीं लिया क्योंकि सब सामान हो जाता वैसे वैसे, तो इसीलिए मैंने खाना नहीं लिया। और इतनी सुबह जल्दी उठी और खाना मैंने नहीं लिया तो बहुत बुरा लगता है यार, क्योंकि मैं उसके लिए ही उठी। हाँ, और ये देखो गाइस पहाड़, गाइस हम लोग कहाँ पहुँचे मुझे नहीं पता यहाँ पर, यहाँ पर झोपड़ी जैसा कुछ है और यहाँ पर लगता है बाकी मुझे नहीं पता, बट बंदी ने इतना अंदर आते तो यहाँ के लोग कैसे रहते होंगे, कोई सिटी पास में कोई कुछ नहीं है तो कैसे रहते होंगे लोग। बट यहाँ पे भी अभी कुछ नया बन रहा है सो थोड़ा सा डेवलप होगा यहाँ पे। ये कौन सी नदी है हमें नहीं पता, तू साइड साइड है मैंने भाई बड़ी है ये भी। तो गाइस हम लोग ना बहुत ज़्यादा ऊपर आ गए और ये देखो मैंने जो आपको पहाड़ दिखाई है वो सामने, और हम उसके लेवल में ही आ गए, इतना ऊपर आ गए। और अभी हो रही है बारिश और हमारे ये कपड़े बैग में लेके ही आए थे, तो बारिश हो रही थी तो इसीलिए हमको नहाना भी है, तो हम लोग कपड़े रेनकोट ये सब लेके ही आए थे फुल तैयारी के साथ। तो अभी पहनना है बंटी को रेनकोट, तो मैं रेनकोट ही निकाल रही हूँ, तो अभी ये पहन लेगा बंटी रेनकोट, वापस करके निकाल देगा और वापस मैं रख लूँगी। और अभी मैं नहीं पहनूँगी क्योंकि मैं पीछे बैठती हूँ तो मेरा तो मैं नहीं पहनूँगी क्योंकि मैं पीछे इसके पीछे छुप के आ सकती हूँ क्योंकि ये इतना ऊपर तक जाता है ये, तो मैं इसके ठीक पीछे आ जाऊंगी। तो देख रास्ते में ही आता है, यहाँ आए हैं और यहाँ पे हमको 20 रुपये देने पड़े दो जन के, एक जन के 10 रुपये, दो जन के 20 रुपये टिकट कटवा लिए हमने। और अभी हम लोग जा रहे और हमें यहाँ पे हमारा फ्रेंड मिल गया है जो यहाँ पे भुट्टा बेच रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ भुट्टा बेच रहा है करण यहाँ पे। ये तो मेरे घर पे बहुत ज्यादा है ये स्टार फ्रूट, तो आप ये कौन सा दो दे
बिगु दौद। तो आप लोग यहाँ पे जरूर आना ये काका के पास पुट्टा खाने के लिए। और ये कमरक मिलता है इधर, ये खीरा जमरूक वो भी पिंक वाला, जिसको भी खाना हो यहाँ पे आ जाना। यहाँ पे अचार मिलता है, मैं यहाँ से आते टाइम लेके जाऊंगी यहाँ से अचार में। हम लोग आए हैं इधर, फाइनली पहुँच ही गए। और यहाँ पे बहुत सारा नाश्ता का कुछ भी मिल जाएगा आपको, कुछ भी खाना हो, कुछ भी खाना हो तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लोग चलते, और बताया है कि यहाँ से नीचे ही जाना है, तो हम लोग जाएंगे यहाँ से। किस तरफ जाना है? हाँ, इस तरफ जाना है। ये देखो मस्त है, यहाँ पे सर्कल बनाया है। ये देखो पूरा, वहां से पानी नहीं गिर रहा अभी भी, आई थिंक बारिश रुक गई है। नहीं रे, या मैं म्यूजिक दिहाड़ी के ताकि देना। तो गाइस ये देखो, यहाँ से पूरा नीचे जाना है, और यहाँ पर डैम है, और ये डैम के रास्ते से जाना है। और साइड में जाल लगाइए क्योंकि कहीं नीचे ना चला जाए। डैम है, और ये देखो असली सीन तो यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो गाइस किसे नीचे जाना है। कहाँ कहाँ जाना? हाँ ये देखो कैसे कैसे जा रहे लोग। किले ये नीचे जाने का, और ऊपर आते आते तो क्या हालत हो जाएगी क्या पता। घंटी अपने कंधे को बिठा लेगा और क्या। फाइनली गाइस हमारा सफर खत्म हो चुका है, और हम लोग पहुंच गए हैं भिगु दौद। ये देखो बहुत ऊपर से पानी आ रहा है। अभी यहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो हमको लगी थी जो हम सोनगढ़ से ही नाश्ता लेके आए थे वही खा रहे, जो पात्रा भजिया ये सब लाए थे यहाँ पे, कहीं पे जगह नहीं। यहाँ पे ही हम सब बैठ गए और खाने के लिए और खा रहे हैं, यहाँ पे खा रहे थे। फिर जाएंगे हम सीधा ऊपर, जो डायरेक्ट पानी नीचे आता है वहाँ ही जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे अलग मजा होगी। तो यहाँ पे नाश्ता कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे इतनी ज्यादा पब्लिक है कि क्या ही बोले, किसी की शादी में पब्लिक नहीं होती होगी इतनी ज्यादा, तो यहाँ पर पब्लिक है।
जाते हैं और लोकेशन नीचे मिल जाएगा।